आपको याद है बचपन में जब हम लोग डीडी नेशनल देखते थे तो सबसे ज़्यादा देखने वाला सीरियल कौन सा होता था? जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, रामानंद सागर जी की रामायण। यह भी याद होगा कि एक वाल्मीकि आश्रम का जिक्र हुआ था उसमें। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वाल्मीकि आश्रम। इस फॉरेस्ट में एंट्री के लिए हमें सबसे पहले 50 रुपये का एंट्री टिकट लेते हैं। हमने 50 रुपये का एंट्री टिकट लिया और वाल्मीकि आश्रम के लिए निकल गए। काफ़ी अच्छा जंगल था और आगे जाके हमें दो रास्ते मिले, एक लेफ़्ट जाता था एक राइट जाता था। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि जाए तो जाए किधर, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा था पूछने के लिए। हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे। और हाँ, मैंने ये आपको बताना भूल गया कि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में आता है। आगे BSF का पोस्ट आएगा, वहाँ पे हमारा आधार कार्ड चेक होगा, उसके बाद से हम नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। और नेपाल में हम लोग कार से नहीं जा सकते, हम वहाँ पे कार पार्क करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है और वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे कार से। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं सामने एक छोटी सी रिवर है, उसको हम लोग काफ़ी डर के क्रॉस कर रहे थे कार से भी, बिकॉज कार काफ़ी छोटी थी। हमें काफ़ी डर लग रहा था क्रॉस करने में। फाइनली क्रॉस हो गई कार और देखते हैं आगे अभी ऐसी कितनी रिवर आती हैं। लो अभी मैं बातें कर रहा था आउटसेट, इतनी बड़ी रिवर आ गई, क्रॉस हो पाएगा कि नहीं आप लोग बताइए, क्या करें, क्रॉस कर देखते हैं ये कार क्रॉस कर पा रही है कि नहीं। अगर ये कार क्रॉस कर पाएगी तो हमारे भी कार क्रॉस कर पाएगी। क्या होता है देखते हैं, आप लोग बताइए क्या होगा, देखते हैं। ये पूरी ये नीचे स्टोन से, अच्छी बात है स्टोन से ऐसे देखिए, ठीक है, नाइस 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 नाइस। हमारी भी कार क्रॉस हो जाएगी। मैंने जैसे बताया था कि BSF का चेकिंग आएगा, वहाँ पे हमने चेकिंग किया और पैदल ही रिवर क्रॉस करके ये नेपाल का बॉर्डर आता है, यहाँ से हमने नेपाल में इंट्री किया। इसमें लिखा है नेपालमा हार्दिक स्वागत गच्छो। प्रोनंसिएशन कुछ गलत हो सकता है। हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं माउंटेंस पे, वहाँ पे सीधे ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम आधा किलोमीटर होगा। पहले किसके दर्शन करने चाहिए, मतलब पहले बाल आपको क्या करना चाहिए? वाल्मीकि जी का दर्शन कीजिएगा। हाँ, जो वाल्मीकि जी थी सीता माता का, जो वो सबसे वही ना बुद्धि है वाल्मीकि जी। अच्छा, हाँ, सीता माँ के हाँ बेटी है जी जी। सबसे सब घूम के एने उधर जाए, लोग उसके घोड़ा बने खम्मा बा अमृत कुमार विष्णु चक्र सीरत लोजी गांधी रखेला 28,000 ऋषि हन क्या कुंड सब है लोग उसका जगह। अच्छा, इधर से अंदर जाने पे सीधे दो मिनट। अच्छा अच्छा, दो मिनट कैसा बाबा जी भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, शिखर सुवेदी बाबा को। अच्छा, शिखर सुवेदी बाबा को। अच्छा, और यहाँ पे प्रसाद में ये पंचफोरन चढ़ते हैं, पंच फोरन है, पंचमेवा और पांच आइटम, और ये माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं, बिंदी भी है। आप लोग जो भी होंगे इस दुकान पे आके भैया की दुकान पे ले सकते हैं। हाँ, तो काफ़ी सस्ता है, महंगा नहीं है, आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। हम लोग कुछ प्रसाद खरीदने के बाद डायरेक्ट हम ऊपर चले आए माँ के दर्शन के लिए और वाल्मीकि जी के दर्शन के लिए। सामने जो देख रहे हैं वो वाल्मीकि आश्रम है ये पूरा पूरा। यहाँ पे लोग बताते हैं कि मान्यता यही है कि यहाँ पे सीता जी समाधि ली थी और यहाँ पे लवकुश जी का भी जन्म हुआ था। यहाँ पे लवकुश जी का शिक्षा प्राप्त किए थे लवकुश जी। वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे, लवकुश जी कहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे। ये रहा समाधि स्थल सीता माँ का, यहाँ पे लिखा है पाताल प्रवेश द्वार। ये यहाँ पे अंदर फ़ोटो खींचना मना था, तो मैंने बाहर से ही आप लोग के लिए एक वीडियो लिया हुआ है। काफ़ी प्यारा सा मंदिर है। अगर जब भी आप लोग को इधर आना हो तो सबसे पहले
मतलब कि जब भी टाइम मिला आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा काफ़ी शांत जगह है यहाँ पे। सो एक और यहाँ पे आपको माता सीता जी का भी दर्शन होगा कुछ टाइम में। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ माता सीता जी को। ये रही माँ सीता। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना था तो हम मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहर से ही फोटो लिए। ये मंदिर जंगलों के बीचों बीच में है, सो चारों तरफ से काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। सो जानवरों के यहाँ पे जानवर नहीं आते। हाँ, रात में ये बगल में काफ़ी कटीले तारे लगे हुए हैं जिसकी सुरक्षा हो सके जानवरों से भी, और बगल में नेपाल पुलिस का भी बॉर्डर सिक्योरिटी भी है यहाँ पे बगल में। अभी हम इसके बाद हम आपको ले चलेंगे लवकुश जी जहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे, अमृत कुंड। और ये देखिए, मैंने यहाँ जो बात कर रहा था विष्णु चक्र, यहाँ पे विष्णु जी का चक्र जो है वो है, ये देखिए। और ये जो हवन जो उस टाइम पे होता था वाल्मीकि आश्रम में, जो वाल्मीकि जी और उनके ऋषि मुनि जी लोग बैठ के यहाँ पे हवन करते थे, यज्ञ करते थे, ये रहा वो चीज। देखिए 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पे यज्ञ किया हुआ था। और ये यहाँ पे सीता माँ प्लेस ऑफ कीपिंग पेल वेसल्स फॉर कैरिंग वाटर, यहाँ पे पानी को इकट्ठा मतलब कि कैरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे यहाँ पे, वेसल्स की तरह यूज होता था इसको। और ये जो प्राचीन हवन द्वार है यहाँ पे, जो मेन गेट है जो मैंने आपको आगे से अभी दिखाया हुआ था, वो ये मेन गेट यहाँ से था, वो आई थिंक बैक साइड से था। और ये चीज़ आपको देखे, हाँ यहाँ पे लवकुश जी का जन्म हुआ था यहाँ पे, बर्थ प्लेस ऑफ लव एंड कुश जी। बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज़ें हमें देख के, और हम भी चाहते हैं आप भी लोग यहाँ पे आके देखें। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी आपको आगे माता सीता जहाँ पे सिलवट एंड बट्टा जो यूज करती थी पीसने के लिए कुछ मसाले, वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी, अभी तक रखी हुई है माँ सीता का। ये रहा सिलबट्टा। ये वो जगह है जहाँ पे लवकुश अपने हॉर्स को बांधते थे, अ पिलर वे लव एंड कुश टाइड द हॉर्स। सो देखिए कितना प्राचीन काल का अभी तक काफ़ी संभाल के रखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ, जो अमृत कुआं की बात कर रहा था वो ये रहा। और यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ था, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ। अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं अभी अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ, मैजिकल। अंदर उतना मतलब साफ सफाई क्या, जंगल में है तो ऐसे ही रहेगा, इतना साफ सफाई नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी सही था। आगे हम आपको ले चल रहे हैं जहाँ पे लव एंड कुश जी का प्लेग्राउंड था, जहाँ पे वो खेलते थे अपने फ्रेंड के साथ, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये रहा सामने की तरफ, उस टाइम पे लवकुश जी खेलते थे, इस टाइम पे मेरा फ्रेंड खेलने जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं किसके साथ खेलता है। यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं पत्थर के मतलब कि घर जैसे बनाते हैं। ये क्या ढूंढ रहा है इस जंगलों में, पता नहीं क्या। अच्छा स्टोन उठाया, पता नहीं क्या करेगा ये स्टोन का। अब देखते हैं आगे ये क्या यहाँ पे आता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे लवकुश जी वाल्मीकि जी से, प्लेस वे लवकुश गॉट एजुकेशन बाय ऋषि वाल्मीकि। ओके, ये जो यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि ऋषि बैठ के यहाँ पे गुरुकुल चलता होगा और शिक्षा प्राप्त होती होगी। सो काफ़ी अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये पत्थर से कुछ बना रहे हैं साहब, देखते हैं।
ओके अच्छा है, स्टोन सजा रहा है भाई, इतने मंजिला घर है, भगवान सबको जितने भी गरीब है। ये भाई साहब कुछ तो ढूंढ रहे थे ऊपर, बस ये आराम से नीचे उतर रहे हैं। सो वाल्मीकि आश्रम ये पूरा रहा। इस तो काफ़ी शाम हो गई थी, तो शाम के पहले हमें वापस इंडिया में भी जाना है। सो हम वापस सब कुछ घूमने के बाद फिर वापस हम निकल गए इंडिया की तरफ। यहाँ पे काफ़ी मार्केट थे, इनका पैसा बाकी था तो हमने इनको पैसे दिए, और फिर यहाँ पे कुछ मैगीज एंड चाउमिन देते हैं, आपको खाना हो तो खाइएगा आगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमने धन्यवाद कहा नेपाल को, उसके बाद से फिर हम वापस इंडिया की तरफ निकल लिए। एक बीच में नदी आएगी, ये सामने जो बहुत आगे नदी दिख रही है वो हम नदी क्रॉस करेंगे, उसके बाद से इंडिया का BSF कैंप आ जाएगा। वहाँ पे जो हमें नंबर मिला था वो हम नंबर सबसे पहले कट करवाएंगे उनसे, उसके बाद से फिर अपने कार से चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।